हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि AIIB 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था एंड उसका रिजल्ट भी आ चुका है। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं इस एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, ठीक है। सो उसका जो बेसिकली जो इफ़ेक्ट पड़ा है, जो सेवन क्वेश्चंस जो विड्रॉ किए गए हैं BCI के द्वारा, वो टोटली जो है कैंडिडेट्स के ऊपर पड़ा है, ठीक है। बाकी और किसी के ऊपर जो है उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है, बिकॉज अगर वो रिज़ल्ट जो है 100 क्वेश्चंस में से देते तो फिर उनका जो रिज़ल्ट है वो मे बी आप लोगों का मैंने बताया था कि 45 जो है जनरल और OBC कैटेगरी के लिए है एंड 40% जो है आप लोगों को SC and ST कैटेगरी वालों को लेकर के आना है। सो एक मेजर डिफरेंस जो है यहाँ पर निकल कर के आ रहा है। ओवरऑल आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो अब 93 में से आ रहा है, बिकॉज 7 क्वेश्चंस जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिए थे, तो जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को फेस करने को मिल रही है। बहुत सारे ऐसा नहीं है कि एक या दो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो फेल हो रहे हैं, नहीं, बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका रिवाइज्ड आंसर के से जो उन्होंने मैच किया था उसके अकॉर्डिंग भी जो है 42 उनके आ रहे हैं, फिर भी जो है वहाँ पर फेल शो किया जा रहा है, ठीक है। सो पता नहीं क्या कुछ इसके पीछे रहा होगा, किस तरीके से चेकिंग हुई, आई डोंट नो, बट एक तरीके से जो है जैसे मैंने कमेंट्स भी आप लोगों के रीड किए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है कैंडिडेट्स को हो रही है। इवन जो है कैंडिडेट्स ने ये भी बोला है कि हर कोई कैंडिडेट इतनी ज़्यादा फ़ी जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सो बार बार एग्ज़ाम देना इतना भी आसान नहीं होता है। अगर इस तरीके की चीज़ें हर बार होती रहेंगी तो कैंडिडेट को प्रॉब्लम होगी होगी। सिंगल कैंडिडेट को नहीं प्रॉब्लम है, बहुत सारे कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही, कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है। सी जैसे क्वेश्चंस आप लोगों का 100 में से आता जो भी रिजल्ट है तो इतना प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, वो 100 के 100 क्वेश्चंस में से आता। बट यहाँ पर जो है आप लोगों का रिजल्ट अब 93 में से आया है और लगातार जो है 3-4 दिन से डेली मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ, तो आप लोगों को सीरियसली एक तरीके से एक ओवरबर्डन जो है आप लोगों के माइंड पे हो रखा है। मैं इस प्रॉब्लम को बिल्कुल समझ सकती हूँ कि आप लोगों को ये हो रखा है कि क्या हम इस स्टेज का सॉल्यूशन निकालें। सॉल्यूशन भी गाइज मैंने आप लोगों को बताया था, बट हेल्पलाइन नंबर का भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे हैं कि वो रिसीव नहीं कर रहे हैं, हमारी कॉल को उठा नहीं रहे हैं। सो ये भी मैं समझ रही हूँ, बट कंप्लेन के लिए बोला था कि हम जो है जाएंगे और कंप्लेन डालेंगे। सो गाइज़ ये भी आप लोग अपना अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कितना सही है कितना सही नहीं है अपने जस्टिस के लिए। एंड अगर आप लोगों को नहीं करना है सो आप लोग रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी मैं रीचेकिंग के लिए आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरीके से जो है रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उससे जो है आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, किस तरीके से आप लोग कर सकते हो जिससे जो है आप लोगों का फ़ायदा हो सके, ठीक है। सो गाइज जितना हो सकेगा आप लोगों के हम एक तरीके से हेल्प करेंगे, जितना भी है जो आज तक भी हमने बताया है कि आप लोग इस तरीके से हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए या फिर आप लोग मेल पर जो है उनको कुछ मेल जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड अपना इशू उनको बताइए कि ये प्रॉब्लम है एंड इस वजह से जो है रिज़ल्ट हमारा ऐसा आया है। सो प्लीज़ इस चीज़ को कंसिडर कीजिए जो कि इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, जो भी 7 क्वेश्चंस आप लोगों की गलती की वजह से जो है आपने विथड्रॉ कर लिए। सो प्लीज़ आप लोग, अगर आप लोग अपना एक डिसीजन, बहुत सारे सिंगल कैंडिडेट से कुछ नहीं होगा गाइज, अगर मेजर यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट्स को प्रॉब्लम हो रही है सो उसी केस में जो है आप लोगों को सुना जाएगा, एक सिंगल कैंडिडेट से नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट से सॉल्व हो पाएंगी चीज़ें। सो आप लोगों को जिस तरीके से लगता है और रीचेकिंग के बारे में जैसे मैं बता रही हूँ कि ये भी ऑप्शन है, बट मैं इसका जो भी क्राइटेरिया है वो आप लोगों को बता दूंगी एक बार कंफर्म करके, बिकॉज इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करूँगी गाइज, ठीक है। सो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टेंशन मत लीजिएगा, सब जो है जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाएगा। सो बी काम, अगर कोई भी स्टिल अगर आप लोगों को इशू है, मानती हूँ जो क्वेश्चंस विड्रॉ किए उससे आप लोगों को बहुत नुकसान हुआ है, आई नो,
बट आप लोगों को अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है गाइस, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर जो हमारा लॉ एंड टिप्स के नाम से चैनल है टेलीग्राम पर, आप लोग वहाँ पर भी अपनी इश्यूज़ और क्वारीज को शेयर कर सकते हो एग्ज़ाम से रिलेटेड। होप सो आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लगी देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।